पड़ेगी। बट इन्फर्नो स्क्वाड मौका है उनके पास भी कि जतिन को यहाँ पे किसी तरह रिवाइव दिया जाए। शैडो निंजा जॉर्ड अच्छा किया कि अब एक कंपाउंड के अंदर आगे थोड़ा होल्ड करना चाहेंगे। टीपी पे एडवांटेज मिलेगा उनको इस कंपाउंड के अंदर। पर एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात देखने वाली ये है कि आईक्यू सोल का जो एक खिलाड़ी है वो आपको पानी के अंदर दिखाई देगा, पर इन सबके बीच में ओवेन वो आगे बढ़े और उन्होंने निंजा जॉर्ड को डाउन कर दिया। निंजा जॉर्ड वो समाप्त कर दिए गए, पर ओमेगा वो भी ट्रेड में नॉक कर दिए गए। पर एक बार फिर से शैडो वो आगे बढ़े, ओवेन को उन्होंने नॉक किया और वो तीसरा खिलाड़ी इन्फर्नो स्क्वाड का, उन्हें भी शिकार बनाया जाएगा और इन्फर्नो स्क्वाड उनका एलिमिनेशन इस मुकाबले से। एक खिलाड़ी चार पे भारी, बताई को सोल का आगमन। शैडो क्या वो एक बार फिर से इतिहास रिपीट कर पाएंगे? क्या एक बार फिर से वो 1v4 कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बटाई कुसोल हम सब जानते हैं कि सीधा तो पुश वो भी नहीं करने वाले, नेट्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। शैडो बचने की भरपूर कोशिश करते हुए डीपीएस के साथ वो नीचे जाना भी चाहते हैं। He's just holding there, क्या उनको कोई स्पॉट नहीं कर पा रहा? जी हाँ, उनको स्पॉट किया, नेड आया नकुल का, वो नेड। टीम एक्स पार्क वन ऑफ द फेवरेट्स पहले मैच से बाहर।